मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अंबेडकर की भव्य प्रतिमा का अनावरण कर स्कूल संचालिका संचालकों को दी नसीहत। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज रेवाड़ी में संविधान निर्माता B.R. अंबेडकर की भव्य मूर्ति का अनावरण किया। आज मूर्ति का अनावरण करने रेवाड़ी पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाला संविधान डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने रच कर हमें भाईचारा और अनुशासन के साथ रहना सिखाता है। संविधान के अनुसार हम अपने हक के लिए लड़ भी सकते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान हमें रास्ता दिखाता है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार हमें कायदे कानून का पालन करना चाहिए और बच्चे देश का भविष्य हैं, हमें उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने स्कूल संचालकों से आग्रह किया कि कानून अनुसार संस्था चलाएं और बच्चों को उनके हक से वंचित न रखें। इस मौके पर उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष हुकुमचंद यादव, रेवाड़ी भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव आदि लोग मौजूद रहे। हम सब की जिंदगी में एक अहम योगदान था इस देश के संविधान के निर्माता के तौर पर, जिस प्रकार से इस देश को एक दिशा काम होने के और रेवाड़ी के अंदर जो भव्य आज से उनका स्टैचू लगाया है, मुझे लगता है कि ये स्टैचू भी आने वाली पीढ़ियों को भी निरंतर यहाँ से आते जाते ये प्रेरणा और दिशा देता रहेगा कि उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पर इस देश के संविधान के प्रति अपने आप को समर्पित करके इस देश की डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। मेरा तो स्वयं ये मानना है कि वो उन चंद लोगों में से रहे हैं जिन्हें पार्लियामेंट के अंदर केवल मात्र पार्लियामेंट्री के तौर पर नहीं, एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम किया और आज भी हम सब के जीवन में जो ये लिबर्टी है, ये आज़ादी है, ये बात करने का, बात रखने का एक अधिकार मिला है, ये जो फ्रीडम्स मिली है, मुझे लगता है कि अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी उस समय उस पूरी टीम को इतने संयुक्त तौर पर संविधान बनाने के लिए ना लेकर चल तो शायद आज ये संभव ना हो। दुनिया में बहुत डेमोक्रेसी बनी है, पर आज 130 करोड़ की आबादी वाले देश को एक संविधान बांध कर रखता है ये बाबा भीमराव अम्बेडकर। आज किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, आज भी काले झंडे दिखाने का प्रयास किया लेकिन उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने यह अधिकार दिया कि सब आदमी पीसफुली अपनी बात रख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर आज उसका नतीजा है कि आज हरियाणा प्रदेश के दिल्ली के साथ लगते हुए दो बॉर्डर्स पर हजारों लोग आकर बैठे हैं।